हाय दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज हम बताएंगे रूस के इतिहास के बारे में। जो रूस के इतिहास का आज पांचवा क्वेश्चन होगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सबसे लेंदी, जो सबसे लंबा क्वेश्चन माना जाता है, क्रीमिया के युद्ध के कारण, महत्व एवं परिणाम। जो दोस्तों क्रीमियन युद्ध था, क्रीमिया का जो युद्ध था, जो रूस और तुर्की दोनों में काफ़ी महासंग्राम हुई, जिसमें रूस की पराजय हुई। आखिर यह युद्ध क्यों हुई थी, इनका क्या कारण था और इनका परिणाम क्या निकला, आज के क्वेश्चन में इन्हीं सब बातों को जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी मदद मिल सके। और कमेंट भी दोस्तों कीजिए, आपके कमेंट करने से थोड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ और ज़्यादा इच्छा करता है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच में लाता रहूँ ऐसे ही। और दोस्तों, आइए हम अपना टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो आपका आज का क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, क्रीमिया का युद्ध का जो दोस्तों जड़ देखा जाता है, जो इसका बीज रोपण हुआ, वो था दोस्तों अंकियारा एस्केलेसी की संधि। अंकियारा एस्केलेसी की संधि क्या है, उसके लिए पहले पहले मेरे एक वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, उसमें आप जाकर देख सकते हैं पूर्वी समस्या के बारे में। जब पूर्वी समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसमें तुर्की के पतन होने के बाद उनके विभाजन के बारे में बात चल रही थी, जिसमें रूस ने अपना अपना दबदबा बनाए रखा था, तो रूस ने ही 1841 ईस्वी में अंकियारा एस्केलेसी की संधि की थी। और उन्हीं संधि के तहत तुर्की को बहुत सारी बातें को मानने पड़ी थी, डार्डेनल्स, बॉस्फोरस, काला सागर, इन सभी क्षेत्रों को रूस के अधिकार में चला गया था, सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता था, जिस कारण से दोस्तों तुर्की काफी घुटनशील महसूस कर रही थी अंकियारा संधि को लेकर के। ये अंकियारा संधि जो हुआ था रूस और तुर्की के बीच में, इस अंकियारा संधि के तहत 10 साल तक उस यूरोप में शांति छाया रहा, शांति का बादल रहा, लेकिन यह वास्तविक में यह शांति नहीं था, बल्कि उसे घुटनशील हो रहा था। अंदर से बहुत ज़्यादा क्रोध में थे वहाँ के लोग, वहाँ के तुर्की के सुल्तान। एक बड़ा घनघोर सा बादल मंडराते रहा अशांति की, क्या बोले, असंतोषजनक की, मतलब कि एक बादल मंडराते रहा, क्रोध की भावनाएं की बादल मंडराते रही। और एक बादल इतना काला घनघोर हो गया, एक दिन बारिश हुई और वही बारिश के रूप में क्रीमिया का युद्ध के को कह सकते हैं कि बारिश क्रीमिया के युद्ध के रूप में बरसा। और क्रीमिया का युद्ध दोस्तों इतनी यूरोप के इतिहास में इतना क्या दर्दनाक घटना भी कहा जाता है, एक बहुत बड़ा इस युद्ध का बहुत बड़ा माना जाता है, रूप माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें लाखों आदमी की जान चले गई थी, खून की नदियां बह गई थी इसमें, क्योंकि इसमें एक नहीं, वास्तविक तो बात यह थी कि इसमें बहुत सारे देशों का हाथ था, लेकिन नाम बस रूस और तुर्की की है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि इसमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड और कावेरिया, ये सभी का हाथ था रूस को पराजित करने में। नहीं तो तुर्की की क्या औकात, जो रूस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित कर दे। जो रूस को पराजित किया, उसमें बहुत सारे देशों का हाथ था, बहुत सारे देशों का इच्छाएं थी कि रूस पराजित हो, इधर सब मिल गए थे, जिस कारण से रूस को पराजित होना पड़ा था। दोस्तों पहला कारण के इसमें दोस्तों जो इंग्लैंड की महारानी है, इसमें रूस के शासक को ही इस युद्ध का जन्मदाता कहता है, उन्हीं के ऊपर बताया गया है। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट था, उनके बारे में बताया गया है, जबकि जार निकोलस प्रथम पहले ऐसा अपने जो युद्ध के प्रति घोषणा हुआ था उसके बाद वो तैयार हुए थे, नहीं कि वो पहले तैयार हो गए थे। इनका कहना, बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका अपना अपना पर्सनल मत है, कोई कहता है कि पहले से ही बादल मंडरा रही थी, युद्ध की पहले से ही बैकग्राउंड तैयार हो गई थी, किसी का कहना है कि तुर्की में राष्ट्रीयता भावना जागृत हो गई थी जिस कारण से क्रीमिया का युद्ध हुआ। तो सबका आपसी अपना इतिहासकार सब दिन आपसी मतभेद रहता ही है, कभी किसी का एक तरह का बात हो ही नहीं सकता है, सब सब तरह का मत देते हैं, बस हम लोग उसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसका सबसे सटीक लगता है उसको हम लोग लेके चलते हैं। आइए दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, है तो बहुत लंबा ये टॉपिक, लेकिन शॉर्टकट हम लोग चलेंगे, बस एग्जाम व्यू से, ताकि एग्जाम में अच्छे से हम लिख सके। तो हम पहला कारण के बात कर सकते हैं दोस्तों, तुर्की के ऊपर रूस का अधिकार, उसका लोलुप, रूस का लोलुप। दोस्तों रूस के जो जो रूस का जो अभिलाषा था वो वास्तविक में पूरा हो गया था, क्योंकि तुर्की को अपने अधीन कर लिया था, डार्डेनल्स बॉस्फोरस के तहत काला सागर पर भी अपना अधिकार कर लिया था, जिसका ये बात इंग्लैंड को नहीं पच रहा था, इंग्लैंड को नहीं जच रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को डर था कहीं काला सागर होते हुए मेरा एशियन सागर में प्रवेश करके मेरा कहीं जो उस टाइम इंडिया उसका उपनिवेशवाद था कहीं उस पर बाधा बन जाए, कहीं रास्ता में अवरोध न पैदा कर दे, विरोध न खड़ा कर दे। इसी के कारण दोस्तों इंग्लैंड काफी क्षुब्ध था और इंग्लैंड ही तुर्की को काफी प्रोत्साहित करते रहते थे रूस को भगाने के लिए, रूस से संधि तोड़ने के लिए। तो दोस्तों पहला कारण हम लोग देख सकते हैं, आप रूस के का
तुर्की पर अधिकार, सबसे पहला कारण रूस के क्रीमिया का युद्ध का सबसे पहला कारण आप नोट कर सकते हैं, इस बातों को लिख सकते हैं। दूसरे कारण दोस्तों देख सकते हैं, जेरूसलम को लेकर फ्रांस और रूस में खींचातानी हो रहा था। मतलब क्या, जो वहां था जेरूसलम का जो पूज्य स्थल, पवित्र स्थल था, उसको लेकर दोनों में आपसी खींचातानी था। क्योंकि एक मत के अनुसार कहा जाता है ऐसा कि जो ये थे तुर्की थे वो फ्रांस को मतलब दे दिए थे, वहां के यूनानी ईसाइयों को संरक्षक के रूप में दे दिए थे। लेकिन एक ऐसा भी कहा जाता है इतिहासकार का कि कुछ भाग जो थे वहां के वो रूस को भी एक संधि के तहत दे दिया गया था, उनके संरक्षक बना दिया था। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने जगह सही थे, फ्रांस भी अपने जगह सही थे, रूस भी अपने जगह सही थे। दोनों जो झगड़ रहे थे, दोनों को संधि का एक हस्ताक्षर पत्र मिला हुआ था, दोनों अपने जगह सही थे। इस युद्ध का किसी एक पे थोप नहीं सकते हैं, किसी एक को कारण नहीं बता सकते हैं। दोनों के बीच में जो आपसी मतभेद हुई थी दोस्तों, यह भी एक कहीं ना कहीं कारण रहता है क्रीमिया के युद्ध को उत्पन्न करने में। तीसरा कारण नोट कर दोस्तों, मेंचिकोप दोस्तों, ये मेंचिकोप का पत्र स्वीकार न करना, जो तीसरा कारण नोट कर सकते दोस्तों आप। रूस का जो सम्राट था, जार था, जार निकोलस प्रथम, 1853 ईस्वी में वो कुस्तुनतुनिया भेजा था अपने राजदूत मेंचिकोप को एक पत्र को लेकर के। उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि यूनानियों का जो ईसाई लोग हैं उनका संरक्षण रूस के अधीन कर दिया जाए, और जो भाग बचता है मतलब यूनानी का और कुछ भाग बचता है वो उसको यूनानी को दे दिया जाए। मतलब जो पूरा भाग, वो फिर भी पूरा भाग का डिमांड दोस्तों नहीं करता है, कुछ ही भाग का डिमांड करता है, और कुछ भाग मतलब कि बुलाया था यूनान को देने के लिए, रोमन ईसाइयों का कुछ भाग है यूनान को देने के लिए। अब रोमन ईसाई तो इनडायरेक्ट रूप से भी रूस बहुत दिमाग का तेज है, रोमन ईसाइयों का जो कुछ भाग बोला गया है इसको देने के लिए यूनान ईसाइयों, क्योंकि यूनान ईसाइयों के ऊपर इसका पूर्ण रूप कब्जा था, उसका सरदार रूस था, इसलिए बोला गया था कि यूनानियों ईसाइयों को दे दिया जाए, इस पे रूस का कब्जा, क्या बोले, यूनानियों का कब्जा कर दिया जाए रोमन ईसाइयों के कुछ भागों पे। तो रूस भी अपना दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहा था, वो क्योंकि वो बहुत जो जार निकोलस प्रथम थे काफी तेज प्रवृत्ति के लोग थे, काफी तेज प्रवृत्ति के व्यक्ति थे दोस्तों, यह भी एक कारण रहा। और जब वो अपना पत्र लेके आए तो ब्रिटिश के राजदूत के सलाह से तुर्की के सुल्तान को बोला गया कि प्रथम जो पहला इसका मैग्ना कार्टा में जो पहला अधिकार पत्र में जो पत्र में उल्लेखित है उसको स्वीकार कर लिया जाए और दूसरा को अस्वीकृत कर दिया जाए। लेकिन अस्वीकृत करने के कारण जो मेंचिकोप था, राजदूत था, वो वहां से चल जाता है, गुस्सा से क्रोध होकर चले जाता है। क्योंकि उस टाइम जो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय थे उनके सभी संदेश, सभी संधि, सभी बातों को, सभी पत्र पे के बातों को मान लिया था। उन्हीं के आशा से जार निकोलस प्रथम ने मेंचिकोप को भेजा था, लेकिन इनको नकार दिया, इनको अस्वीकृत कर दिया। अब जब अस्वीकृत कर दिया तो क्रोध हो उठा, और इसका वापस जाना एक घी में आग में घी डालने जैसे काम किया। जब ये वापस गया तो एक बहुत बड़ा आग का धंधोरा सा उठा, क्या आग का धंधोरा क्या उठा, जार निकोलस प्रथम को काफी गुस्सा आया, काफी नाराज हो गया तुर्की के सुल्तान से। और यह नाराजगी के कारण ही वो मालदेविया और वालेसिया, जो डेन्यूब नदी के किनारे का प्रदेश था, वो तुर्की का ही प्रदेश था, डेन्यूब नदी के किनारे तुर्की का ही प्रदेश था मालदेविया और वैलेसिया, वो दोनों पे अपना अधिकार कर लिया, तुर्की के प्रांत पे अधिकार कर लिया। अब जब अधिकार कर लिया तो उन पे अपना पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया, अपने सैनिक युद्ध पोत जो थे सब वहां पे स्थापित कर दिए। लेकिन तुर्की के सुल्तान चाहते थे कि वो ऐसा नहीं करे, उसके लेके वो इंग्लैंड और फ्रांस से इच्छा रखते थे मतलब कि युद्ध में भागीदारी निभाने का। तो दोस्तों यह भी एक बहुत बड़ा ये जो है मालदेविया और वालेसिया बहुत बड़ा कारण रहा युद्ध का। इसी के कारण युद्ध होता है, क्योंकि यहाँ से सैनिक हटाने की धमकी देता है, 15 दिन के अंदर नहीं हटा पाता है। यह कारण जो 23 अक्टूबर 1853 को युद्ध का प्रारंभ होना तय होता है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट कारण हम लोग देख सकते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस का एक होना रूस के विरुद्ध। अब दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस क्या हुआ था, जब इंग्लैंड को तो सब दिन से दिल में घाव था ही रूस के प्रति, क्योंकि रूस को तो लगता था कि रूस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एशियाई भाग में अपना कब्जा जमा करके मेरा बहुत सारे जगह से कनेक्शन काटने वाले हैं। वो चाह रहे थे कि रूस का कब्जा जल्दी जल्दी पतन हो जाए और एशियाई भाग से वो छोड़ के भाग जाए। लेकिन रूस भी कहाँ मानने वाले थे, वो तो अडिग थे, वो तो काफी शक्तिशाली देश में के गिनती में आते थे, वो नहीं मानने वाले थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, रूस रूस के खिलाफ इंग्लैंड से दोस्ती कर ली और दोनों ने मिल करके षड्यंत्र रचा ताकि रूस को पराजित कर सके। इसी कारण दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस ने दोनों मिल करके प्रोत्साहित करने लगा तुर्की के सुल्तान को कि आप युद्ध की घोषणा करो, मैं आपका साथ दूंगा। इसमें तुर्की के सुल्तान प्रोत्साहित हो भी जाते हैं, जिस कारण से दोस्तों उसके खिलाफ युद्ध का घोषणा कर भी देते हैं। जब एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्रीमिया युद्ध के शुरू होने में, उत्पन्न होने में। अब दोस्तों नेक्स्ट कारण देख सकते हैं, इंग्लैंड में रूस के सम्राट के प्रति, जार के प्रति घृणा। इंग्लैंड के जो
कुछ निवासी थे और पोलैंड के भाग के जो कुछ निवासी थे वो जार निकोलस प्रथम से काफी घृणा करते थे, क्योंकि वहां के लोग उसे तंग आ चुके थे जिस कारण से उनका काफी घृणा करने लगे थे। अब दोस्तों नेक्स्ट कारण है कि मालदेवका और वालेसिया से सैनिक हटाने की चेतावनी देना तुर्की के द्वारा रूस के जार को देना, यह सबसे बड़ा कारण। दोस्तों जब 1853 ईस्वी में ये जो तुर्की के सुल्तान थे रूस के शासक जार निकोलस प्रथम को एक चेतावनी दी कि 15 दिनों के अंदर मालदेविया और वालेसिया पर से आप अपना सैनिक का कब्जा हटा लीजिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। वो वार्निंग दे चुके थे और टाइम भी दे दिए थे 15 दिन का, लेकिन वो उस पर कोई गौर नहीं फरमाया। उसको लगा क्या तुर्की मेरा क्या कुछ कर लेगा, जिस कारण से इसका परिणाम बहुत बड़ा आता है। 15 दिन के बाद ही वो एक्शन तुरंत ले लेते हैं तुर्की और युद्ध की घोषणा 23 अक्टूबर 1853 ईस्वी को या क्रीमिया युद्ध की घोषणा करता है और क्रीमिया युद्ध की शुरुआत होती है। यह युद्ध एक बड़े पैमाने पर होते हैं और लाखों आदमी की दोस्तों खून की नदी बह जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर सबको क्षतिपूर्ति होना पड़ता सभी देश को। तो लेकिन खास करके इसमें रूस का और तुर्की का ज्यादा खोखलापन होता है, आर्थिक स्थिति ज्यादा खोखलेपन होती है, दोनों को ज्यादा भुगतना पड़ता है और सब तो सहायक के रूप में काम किया था। अब दोस्तों इस क्रीमिया युद्ध के महत्व जो थे महत्व और परिणाम के बारे में बात करेंगे, खास करके परिणाम के बारे में बात कीजिए तो परिणाम इसका लिखना पड़ेगा आपको या इसके क्या प्रभाव पड़े अन्य देश के ऊपर। अन्य देश के ऊपर लिखने के दोस्तों काफी लंबा हो जाएगा, इसका सिर्फ परिणाम आपको बता देते हैं और प्रभाव थोड़ा शॉर्टकट बताएंगे आपको। इनका परिणाम दोस्तों यह निकल आया कि मेटरनिक युग का समाप्ति हो गया, क्योंकि उस टाइम जो इटली का एकीकरण होना था, इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा मेटरनिक का चांसलर बन रहा था, यह उसका युग समाप्त हो गया। एडरबिन का मंत्रिमंडल था इंग्लैंड में, उस मंत्रिमंडल का समाप्ति हो गया और पामर्स्टन प्रधानमंत्री बन गया उस टाइम। और दोस्तों रूस का जो तुर्की के ऊपर प्रभुत्व था, अधिकार था, वो समाप्त हो गया और रूस को एक बहुत बड़ी पराजय मिली और जो पूरी तरह जितना अधिकार था सारे हाथ से उसका हाथ से चला गया। रूस एक स्वतंत्रता और यूरोप राष्ट्र का एक उभरता हुआ चांद सितारा के रूप में उभरा। और नेक्स्ट कारण दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैबूर का फ्रांस और इंग्लैंड से मित्रता हो जाना, क्योंकि कैबूर ने भी क्रीमिया के युद्ध में भागीदारी निभाया था, काउंट कैबूर, क्योंकि उसको इटली का एकीकरण करना था जिस कारण से वो युद्ध में कूद पड़ा था। और ऐसा हुआ भी, युद्ध के जैसे ही विजय होने के साथ ही उन्होंने भी इटली का एकीकरण कर पाया और मेटरनिक युग की भी समाप्ति कर दी और इंग्लैंड और फ्रांस से मित्रता भी हो गई। और दोस्तों कई इसके परिणाम निकल के सामने में आए, इन सभी बातों को आप एग्जाम में अच्छी तरीके से, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इतना ही बातों को मैं दोस्तों इस वीडियो में रखता हूँ। और सभी बहुत सारे पॉइंट है क्रीमिया युद्ध के, लेकिन इतना लिख दीजिएगा तो मैं आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएगी इतने सारे पॉइंट से, इतने कारण महत्व और परिणाम लिखने से। आप कुछ कुछ दृश्य के ऊपर प्रभाव बता सकते हैं, ये तो अपना साइंस की बात है, क्या प्रभाव किसके ऊपर पड़ा। जैसे कि तुर्की के ऊपर बात करें, क्रीमिया युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा तुर्की के ऊपर, दोस्तों इसका कोई खास महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक शांति का माहौल बना रहा, आंतरिक स्थिति को सुधार करने का पूर्ण रूपेण उसको शक्ति मिला, संप्रभुत्व का स्थापना हुआ। लेकिन काफी दिन तक चल नहीं पाता है, 20 वर्षों के अंदर ही फिर से एक आंतरिक गड़बड़ी आती है जो कि तुर्की को भुगतना पड़ता है और उथल पुथल हो जाता है सब कुछ, और वहाँ के जो ईसाइयों लोग था उसका प्रभुत्व हो जाता है और एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर पाता है। रूस के ऊपर बात करें तो दोस्तों रूस का काफी खोखलापन हो गया, उसकी शक्तिशाली जो थी वो सभी समाप्त हो गए थे, वहाँ के जो मतलब कि प्रजा थे, जनता थे, और वहाँ के अधिकारी लोग रूस के जार निकोलस प्रथम से घृणा करने लगे थे। जार निकोलस प्रथम के समाप्ति के बाद जो नेक्स्ट आते हैं अलेक्जेंडर द्वितीय, उसको इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि उसको सुधार करना पड़ता है सारी अर्थव्यवस्था को, सारी उथल पुथल व्यवस्था को शांत करने का जिम्मेवारी जार अलेक्जेंडर द्वितीय के ऊपर जाता है और उन्होंने व्यवस्था को शांत भी करता है। आप उस जार अलेक्जेंडर द्वितीय को देखने के लिए एक प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं उसके सुधार नीति को। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रिया के ऊपर, ऑस्ट्रिया रूस से मित्रता खत्म हो गई, उससे दोनों शत्रुता का पैदा हो गया। इंग्लैंड के ऊपर बात करें दोस्तों, इंग्लैंड को कोई काफी ज्यादा मतलब कि लाभ नहीं हुआ, इसको तो बेकार ब्रिस का घोड़ा पे बाजी लगाना कह सकते हैं, क्योंकि सेल ब्रिस ने ऐसा कहा था उसके प्रति, क्योंकि उसमें भाग लेने से कोई कुछ फायदा नहीं हुआ लेकिन उल्टे नुकसान हुआ, क्योंकि वो अब रूस कुस्तुन दुनिया को छोड़ करके अपना जो विस्तारवादिनी था वो एशियाई भाग में करने लगा था, जिससे कि अब इंग्लैंड को काफी डर होने लगा था, काफी उसको भाई जिताने लगा था, यह भी उसको बड़ा बुरा परिणाम गुरु था। अब फ्रांस की बात करें दोस्तों, फ्रांस के शासक जो था नेपोलियन तृतीय, वो इस युद्ध में तो जो विजय हुई उनको बस एक लोकप्रियता मिली, बल्कि एक कट्टु जमीन तक भी नहीं मिला उसको, तुर्की से कोई थोड़ा सा भी मदद या कोई तरह का ऐसा वाहवाही नहीं मिला जिससे उसको फायदा हो सके। लेकिन हाँ ऐसा दोस्तों जरूर हुआ कि तुर्की को कुछ नहीं मिला, लेकिन वो नेपोलियन प्रथम जो रूस से हार गया था उसका बदला लेने वो सक्षम रहा।
और उस टाइम दोस्तों एक आंदोलन चली थी, ये रेड क्रॉस आंदोलन, जिसमें कि उस टाइम बहुत सारे सैनिक, इंग्लैंड के जो सैनिक थे क्रीमिया युद्ध के दौरान, बहुत सारे सैनिक बीमार हो गए थे, खांसी सर्दी बुखार, बहुत सारे लोग बीमार हो गए, सैनिक बीमार हो गए थे, उनका एक इलाज के लिए एक स्कूटरी हॉस्पिटल बनवाया गया था, जिसमें कि फ्लोरेंस नाइटेंगल जो थी जाके इलाज किया था, सभी को ठीक किया गया था, उन्हीं के चलते बाद में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, 8 मई को स्थापना किया गया था। तो बाद में क्या गया दोस्तों उसका स्थापना, तो वो खास करके रोगियों के लिए, जो रोगी के लिए प्लस जो युद्ध के समय घायल होंगे उसके लिए किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे कारण परिणाम उभर के सामने आते हैं। ये बहुत एक लंबी, मतलब कि कहा जाए सोल्यूशन है इसका, इस क्वेश्चन का बहुत सारा लंबा इसका सोल्यूशन सामने में आता है, बहुत सारे परिणाम आते हैं, बहुत सारे देशों के ऊपर प्रभाव आते हैं, सभी देशों के ऊपर कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ा क्रीमिया युद्ध का, क्योंकि यह एक युद्ध बहुत बड़ा घायल यूरोप का इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है इस युद्ध को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा रूस के इतिहास को लेकर, या कोई नेक्स्ट टॉपिक, कोई भी एनी अदर टॉपिक लेकर मिल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।